हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बिना देर किए अगले पार्ट को हम शुरू करते हैं। इज देयर एनी अदर रीजन, क्या कोई और कारण है? लेखक की बात पूछ रहे हैं रंगा से कि क्या कोई और अदर कारण है। तो अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक व्यक्ति को एक लड़की से शादी करनी चाहिए जिसका वो कैसा हो, एडमायर्स हो, प्रशंसक हो, तारीफ करने वाला हो। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज, इसे क्या है, तयशुदा शादी करने का हमारे लिए क्या प्रयोजन है, ये लेखक से पूछ रहा है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर, और सो यंग दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। कोई ऐसी लड़की की प्रशंसा करे कैसे कर सकता है जिसके चेहरे में एक तरफ दूध का धब्बा लगा हो, दूसरी तरफ गीला हो, और वह इतनी छोटी हो, वह ये भी नहीं जानती हो कि अंगुलियों को कैसे काटा जाए, अंगुलियों को कैसे काटा जाए। वन अ नीम फ्रूट द अदर बिटर ग्राउंड द बिटर गॉड, देखो एक तो कड़वा करेला, दूसरा नीम चढ़ा बिटर गॉड। देखो एक तो नीम कड़वा नीम कहते हैं ना कि कहानी है, कड़वा करेला, दूसरा नीम चढ़ा। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक, रंगा सेड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा, रंगा ने ये बात हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर। देखो मैं निराश था कि जिस लड़के के बारे में मैंने सोचा था अच्छा पति बन जाएगा, थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद पता चला, तब मेरे दिमाग ने उचित निर्णय किया कि मैं उसकी शादी जरूर करवाऊंगा, उसकी शादी जरूर करवाऊंगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, और थोड़ी देर बाद बातचीत के बाद रंगा वहाँ से चला जाता है। आई मेड अप माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, और उन्होंने सोच ही लिया लेखक ने कि मेरे दिमाग में उचित निर्णय डिसाइड कर लिया है कि मैं रंगा की शादी करके ही रहूँगा। रामा राव नाइसेस अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की एक अच्छी सुंदर 11 साल की भतीजी है, हेड कम टू स्टे विद हिम, उसके साथ वो रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, और वो बड़े शहर की थी, सो शी न्यू, वह जानती है हाउ टू प्ले द वीणा, वीणा को कैसे बजाया जाता है, एंड द हारमोनियम, और हारमोनियम को कैसे बजाया जाता है, वो हारमोनियम और वीणा को बजाना जानती है। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी जो आवाज़ है वो भी मधुर आवाज़ है बहुत। दोनों आगे बढ़ते हैं। हर पेरेंट्स हैज डाइड, और उसके जो माता पिता है वो दोनों मर चुके हैं। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और वो केवल अपने अंकल के साथ, अपने चाचा जी के साथ रहती है, चाचा जी उसे घर ले आए थे वहीं पर वो रहती है। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और देखो लेखक बता रहे हैं रंगा उसके लिए उचित लड़का था और वह उसके लिए उपयुक्त दुल्हन थी, ब्राइड मतलब दुल्हन और ब्राइड ग्रूम यानी दूल्हा, ठीक है। सिंस आई वॉज फ्रिक्वेंटली विजिटर टू रामा राव पैलेस द गर्ल वॉज क्वेट फ्री विद मी, और क्योंकि रामा राव के घर पर लगातार जाता रहता था, लेखक बता रहे हैं कि मैं रामा राव के घर पर लगातार जाता रहता था, तो आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम रत्ना। देखो लेखक बता रहे हैं मैं रामा राव के घर पर लगातार जाते रहता था, लड़की मुझसे खुली हुई थी, मैं उसका नाम का वर्णन करूँ करना पूरी तरह भूल गया, उसका नाम क्या था, रत्ना था। क्या नाम था उसका, रत्ना, इट वॉज, उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ हिल सेंड सम बटर मिल्क
फॉर यू। देखो लेखक बता रहे हैं कि अगले दिन सुबह मैं उसके घर गया और रामाराव की पत्नी से कहा कि मैं आज आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा। क्या कहा? बटर मिल्क भेजूंगा, छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फेच इट, और ये कहा कि रत्ना से कहना वो जा करके ले आए। लेखक उसकी जो चाची है रामाराव की वाइफ है उसको ये कहकर के आ गया कि भाई मैं आपके लिए कुछ छाछ भेजूंगा, तो आप रत्ना को बोल देना कि वो घर आकर के छाछ लेकर के चली जाए। आगे बढ़ते हैं। रत्ना केम, इट वॉज अ फ्राइडे। देखो रत्ना आ जाती है, शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वियरिंग अ ग्रांड साड़ी, और उसने क्या है एक भारी सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सीट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और फिर क्या है उसे मेरे कमरे में बैठने को कहा और उसे गाना गाने का निवेदन किया कि रत्ना तुम्हें गाना सुनाओ। आई सेंड फॉर रंगा, और फिर देखो मैंने रंगा को बुलाने भेज दिया। व्हाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग, कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज। देखो अब यहाँ क्या होता है, जब वो गाना गा रही थी तो मेरे सामने कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। ये बता रहे हैं इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी। रंगा रीच द डोर, और रंगा दरवाजे पर पहुंचा। ही स्टॉप्ड, और वह रुका एट द थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड का मतलब डेयरी पर, है ना, रंगा डेयरी पर ही रुक जाता है। He did not want, वह नहीं चाहता the singing to stop, कि गाना को रोका जाए। But was curious to see the singer carefully, he peeped in, और देखो रंगा समझदार लड़का था, वह देरी पर रुक जाता है और वह नहीं चाहता कि गाना रुके, लेकिन गायक को देखने को वो उत्सुक था कि ये जो गायक है ये कौन है। वो ध्यान से वो अंदर झांका, उसने कमरे में झांका, ही पीप्ड इन, उसने झांका। द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और उस कमरे की जो रोशनी है वो रुक गई। और रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा। एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप्ड, और इतने में क्या होता है जैसे रंगा ने रत्ना ने ऊपर देखा एक अजनबी को देखकर अचानक उसने गाना बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो। देखो मान लो कि तुम एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का आम खरीदते हो, लेखक बता रहे हैं, तो यू ईट इट स्लोली, उसे आप धीरे धीरे खाओगे, धीरे धीरे खाना पसंद करोगे। सेवरिंग इट पील बिफोर बाइटिंग इन टू द जूस फ्लेश, और उसे उसके छिलके का मजा इसके रस भरे गुदे हुए खाने से पहले लोगे। उसके छिलके का मजा उसके गुदे हुए खाने से पहले उसका रस लोगे। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप नहीं चाहोगे कि इसका किसी भी हिस्से को बर्बाद करें, वो हर एक हिस्से को आप अच्छे से इंजॉय करोगे। Before you take another bite, the fruit slips and out of your hand and fell to the ground. और फिर क्या होता है कि अगर दोबारा देखो, अगर तुम इससे पहले इसके हर एक हिस्से को गंवाना नहीं चाहते हो, दोबारा आम खाने से पहले आपके हाथ से अगर फिसल जाता है, जमीन पर गिर जाता है, तो आप कैसा महसूस करते हो? How do you feel? आप कैसा महसूस करते हो? रंगास फेस चोर्ड द सेम डिसअपॉइंटमेंट वेन द सिंगिंग स्टॉप, और ऐसा ही क्या है, ऐसा ही रंगा के साथ हुआ। रंगा के चेहरे पर वही निराशा के भाव थे जब गाना रुक गया। उसका गाना रुकते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। You sent for me, और फिर क्या है, आपने मुझे बुलाया था। ये लेखक को बता रहा है रंगा कि आपने मुझे बुलाया था। He asked as he came in and
सेट ऑन ए चेयर, और फिर क्या है, जैसे ही बंदा अंदर आया उसने मुझे पूछा और कुर्सी पर बैठ गया। लेखक से पूछा कि आपने मुझे बुलाया, ऐसा कह करके वो कुर्सी पर बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं। रत्ना स्टूड अ डिस्टेंस, हर हार्ट लोवर्ड, रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, और फिर क्या होता है कि रत्ना कुछ दूरी पर खड़ी थी, उसका सिर नीचे झुका हुआ था, रंगा उसकी तरफ बार बार देख रहा था। वंस आवर आईज मीट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, और फिर क्या होता है, एक बार हमारी यहाँ देखो, एक बार हमारी आंखें मिली और वह झेप गया, काफ़ी देर तक वह बोल नहीं पाया। रत्ना के सामने रंगा कुछ भी नहीं बोल पाया और उसकी आंखें झेप गई। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, लेट मी लीव, और फिर क्या है, मैं अंदर आने, मेरे अंदर आने से गाना रुक गया, मैं चला जाता हूँ, लेट मी लीव, मैं चला जाता हूँ। वर्ड्स मोर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मेच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग। देखो ये बता रहे हैं, शब्द केवल सिर्फ शब्द ही होते हैं, उस व्यक्ति ने जाने के लिए कहा लेकिन वह हिला तक नहीं। देखो लेखक बता रहे हैं कि रंगा ने कहा तो है कि मैं चला जाता हूँ, मेरे आने से गाना रुक गया, लेकिन वो वहाँ से खिसकता भी नहीं है। आज कलयुग के दौर में लेखक बता रहे हैं कि भला शब्दों को अपने कार्यों से मिलाने की आशा कौन करेगा, कहने में सब कुछ कुछ भी कह देते हैं लेकिन उसे करने में बहुत कठिनाई आती है। रत्ना रन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और रत्ना अंदर भाग जाती है और अपने शर्मीलेपन के भाव को काबू करते हुए अंदर की ओर चली जाती है। आफ्टर ए व्हाइल कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, हु वॉज दैट गर्ल, स्वामी जी ये लड़की कौन है, ये बात कौन पूछ रहा है, रंगा पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हुज दैट इनसाइड द लोयन वॉन्टेड टू नो, अब देखो स्वामी से पूछ ले कि लड़की कौन है, अंदर कौन है, शेर यह जानना चाहता था। अब अंदर कौन है, शेर ये बात जानना चाहता था कि वो लड़की कौन है। अब द ही गॉड हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, डज इट मैटर हु आई एम पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायंस। अब देखो गॉड का मतलब बकरा, जानते हो आप, उस बकरे ने जिसने मंदिर में शरण ले रखी है उत्तर दिया, वो उत्तर देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं तो बेचारा वह जानवर हूँ जिसने पहले ही 9 शेरों को खा लिया है, ये सा जवाब रंगा देता है। I have vowed to eat one more. Tell me, are you male or female? The lion filled the place in fear, it seems. और फिर क्या होता है, मुझे ये बताओ कि तुम नर हो या मादा, ऐसा दिखाई देता है कि शेर डर कर क्या हो गया, भाग गया। क्या हो गया भाई, भाग गया। आगे बढ़ते हैं। Like the he got, I said, what does it matter to either of us who she is? I am already married and you are not the marrying kind. और देखो अब क्या होता है, बकरे की तरह मैंने कहा, हम में किसी को क्या फर्क पड़ता है कि वह कौन है, मैं पहले से शादीशुदा व्यक्ति हूँ और तुम शादी करवाने वाले जीव नहीं हो, ये बात कौन बोल रहे हैं, लेखक बता रहे हैं। ये बात किसको बोल रहे हैं, लेखक रंगा को बता रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में शेयर करें, डाउट्स क्लियर करें। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए इस लेसन को अच्छे से समझें।